दिल्ली के सियासी पारा, जो दिल्ली में पारा तो इतना हाई नहीं है लेकिन सियासी पारा बहुत गर्म हो चुका है, क्योंकि दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष है स्वाति मालेवाल, उन्होंने आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है, हरिशंकर जी का कहना है, ब्लाइंड एलिगेशंस है ये। जिस तरह से स्वाति मालेवाल ने कहा कि एक मंत्री शामिल है और जो जीबी रोड के कोठे चल रहे हैं उन्हें मंत्री का संरक्षण होने की वजह से यहां पर दिल्ली पुलिस काम नहीं कर पा रही है। हमारे साथ कांग्रेस से हरिशंकर गुप्ता जी हैं, बीजेपी से अनिल झा जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी से चंद्र जी जुड़ी हुई है, डोगरा मैडम डोगरा जुड़ी हुई है। सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सवाल हम, क्योंकि मौजूदा सरकार, जैसा कि डोगरा जी ने कहा था कि हमें लोगों ने चुना है, पूर्ण बहुमत के साथ चुना है, तो प्रचंड बहुमत तो बीजेपी को भी मिला और केंद्र में सरकार बीजेपी की है। तो अनिल झा जी आपसे करेंगे बात हम यहां पर। इनका यह कहना है कि एमसीडी आखिर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहा है, दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है, रैली के माध्यमों से यह समझाने की कोशिश करते हैं। आंकड़े, स्वाति मालेवाल जी ने आंकड़ों की बात की है कि जो लड़कियां हैं वो गरीबी की वजह से, 23% लड़कियां गरीबी की वजह से स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हैं और फिर मजबूरी उन्हें ऐसे काम में धकेल देती है। फिर उन्होंने ये कहा कि केंद्रीय मंत्री के संरक्षण में चल रहा है। गुप्ता जी का यह कहना है ब्लाइंड एलिगेशन है, आप क्या कहेंगे? अनिल जी, मेरा इसमें एक रिक्वेस्ट है आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता से। देखिए, आपको अच्छे काम करने से कोई नहीं रोक रहा है। जब आपकी पार्टी बनी थी तो आपने कहा था सारे लोग बुरे हैं और हम इन सब से अलग हैं और कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। अब आप ये बोलते हैं भाई साहब चोर तो आपके यहाँ भी है, तो हमारे यहाँ निकल गए तो क्या हुआ? तो आप में फर्क क्या हुआ दूसरे और हमारे के अंदर, जो आप अपने आप को कहती थी कि हम श्रेष्ठ हैं और उम्दा लोग हैं? आज आप संदीप कुमार को डिफाइन करते हैं, छोटा सा काम है। आज जानते हैं बहन, आज दिल्ली में बहनें आपके मंत्रियों के यहाँ राशन कार्ड और कोई काम कराने नहीं जा रही हैं, घर वालों ने रोक दिया। ये अविश्वास आप लोगों ने के कृत्यों से पैदा हुआ है। उसके बाद आप उसके बाद ऐसे किसी काम के लिए महिलाएं आपके दफ्तरों में नहीं जा रही हैं। सबसे ज्यादा महिलाएं आपके विधायकों से बच रही हैं, विधायकों लोगों से बच रही हैं। आपके यहाँ नरेगा के अंदर आम आदमी पार्टी की वर्कर आत्महत्या कर लेती है और कहती है कि जब मैं केजरीवाल जी के पास गई थी तो मुझे कहा था कि समझौता कर लीजिए। यहीं पर कुत्तों से कटवाया जाता है आपके यहाँ महिलाओं को। ये एलिगेशन सोमनाथ पर है, यानी कि जो कानून मंत्री है वो कानून तोड़ देता है, मंत्री के बारे में बात, महिला विकास मंत्री जो है बच्चों का शोषण करता है, महिलाओं का शोषण करता है, अपने शहरी विकास मंत्री है शहरों को बनाने के बजाय शहरों की नालियां और रोडें सब तोड़वा देते हैं। बल्कि मैं हैरान इस बात से, जिसको जो मंत्रालय देता है उसी में वो कांड करके बैठ जाता है और आप उसको डिफाइन कर रही हैं। आप जानते हैं आपके यहाँ पे 34 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, कई लोगों के ऊपर और गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। आप हमारा पैसा, आप हमारा पैसा आप एंटरप्राइज में खर्च करते हैं और आपसे 18 करोड़ रुपए की रिकवरी के लिए कहा जाता है, यानी कि आप हमारे खून पसंद की कमाई आप केरल में ऐड करती हैं, आप केरल के मलापुरम में ऐड करते हैं केजरीवाल लिख करके। आखिर आप क्या जताना चाहती हैं इस देश को? लूटना चाहती हैं? ये सवाल वहीं पर पंजाब के अंदर भी होने जा रहा है। मैं तो कहूंगा भाई, मुझे नहीं लगता आप यहाँ की, आप तो पंजाब की लग रही हैं, लेकिन पंजाब की जनता से मेरी अपील है वोट देने से पहले दिल्ली के हालात देख ले। वो दिल्ली में क्या आपने राजनीति स्थिति पैदा करी? आपने लूटा दिल्ली को और सरयू बैठ करके भाषण दे रहे हैं। हमें सर एक नहीं 36 उदाहरण है आपके खिलाफ जी अनिल जी, एक नहीं 36 उदाहरण। आप केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए अगर आपने ये एक बड़ा सवाल है। चलिए डोगरा जी, आप केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए, नहीं तो आप अपने बयान को पलटिए, माफी मांगे। थोड़ा सा जवाब दे दूं, अब डोगरा जी जवाब दे दूं जी, जवाब दे दूं। बीजेपी के हाथ में दिल्ली पुलिस है, बीजेपी के हाथ में एमसीडी है, बीजेपी के हाथ में एसीबी है, एंटी करप्शन ब्यूरो, और दिल्ली पुलिस के लिए सिर्फ 24 घंटे का काम है इस पूरे जो कांड है इसकी तह तक जाना, पता करना कौन ये काम चला रहा है, कौन धंधा कर रहा है। लेकिन झा जी उस तरफ बात नहीं करेंगे, उस बात को से दर्शकों का ध्यान भटका के और बातें कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि आम आदमी पार्टी अपने घर में नियमित तौर से झाड़ू फेरते रहते हैं, कोई गलत आदमी अगर हमारे सामने उसके खिलाफ पुख्ता सबूत आ जाते हैं तो केजरीवाल जी तुरंत उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं, जैसे कि आपने देखा। तो हम अपने घर में झाड़ू नियमित तौर से लगाते हैं लेकिन बाकी पार्टियां नहीं कर रही हैं, उनके घरों में ढेर ढेर कूड़ा ढेर ढेर गंदगी भरी पड़ी है, उसके खिलाफ जब हम बोलते हैं और उस व्यवस्था को सुधारने के लिए हमारी पार्टी एग्जाम्पल सेट करती है, तो क्योंकि ये सफाई नहीं करना चाहते,
क्योंकि ये अपने मंत्री के खिलाफ ना ही पता करना चाहते हैं, ना ही उसका नाम पब्लिक करना चाहते हैं, तो दिल्ली पुलिस के हाथ बांध के रखेंगे ताकि वो इस तरफ इन्वेस्टिगेशन करे ना। और जो दिल्ली महिला आयोग कर रही थी इस चीज की छानबीन जांच, उनको भी रोक दिया गया है और उनके खिलाफ पर्चा दर्ज करके उनको रोकने की कोशिश की जा रही है और रोक ही दिया है, लेकिन दिल्ली पुलिस को ये एक्टिवेट नहीं करेंगे। ये मैं आपके प्रोग्राम में यहाँ पर आई कैन वाउच फॉर इट कि ये कभी दिल्ली पुलिस को इस तरफ एक्टिवेट कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने घर में झाड़ू नहीं फेरना चाहते हैं। चलिए गुप्ता जी क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, ऐसा है कि हम तो ये कोशिश कर रहे थे, ये उम्मीद थी कि वो झाड़ू जो आप फेरने की बात कर रही हैं अपने यहाँ, वो थोड़ा सा झाड़ू का दीदार हमें भी हो जाता, कुछ समय के लिए हमें भी मिल जाते तो हम भी फेर लेते। लेकिन आपने तो इतनी सुन लीजिए, आप सुनिए बात को, सुनिए और बीजेपी सुनिए दोनों, एक मिनट, कांग्रेस और बीजेपी दोनों हाथ मिला रहे हैं इस मंत्री को बचाने के लिए आपके प्रोग्राम के ऊपर। ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है, आपके खिलाफ पार्टी आपस में इकट्ठी हो गई है, मौजूदा व्यवस्था को कायम रखने के लिए, आप झूठा व्यवस्था को कायम रखने के लिए, आप बोलिए, आप सुन लीजिए बात, कांग्रेस और बीजेपी सुन लीजिए बात, एक भ्रष्ट सुनेंगे नहीं ना, आप मॉरली करप्ट, आप लोगों की समस्या ये कि आप अपनी बात कहेंगे सुनेंगे नहीं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों हाथ आप अपनी बात कहेंगे सुनेंगे नहीं, आप आम आदमी पार्टी ने फायदा नहीं होगा, आप बोल के चले जाइए, बोलिए आप, आप बोल लीजिए, कोई फायदा नहीं, आप तसल्ली से बोलिए, आपको बुरा नहीं कर रहा कोई, हमने बहुत शांति से बात सुनी आपकी। देखिए पहली बात, डिस्कशन इसलिए जी डोगरा जी, डिस्कशन इसलिए मैंने आपसे ये कहा, संकेत जो है वो क्लियर, नहीं मैंने आपसे ये कहा कि आपने जिस झाड़ू की बात किया है, हमें ये उम्मीद थी कि भी थोड़ा सा झाड़ू हमें भी मिल जाएगी ताकि हमारे यहाँ भी हो सकता गंदगी हो हम साफ कर लें, लेकिन आपने डेढ़ साल में इतनी बड़ी गंदगी का ढेर लगा दिया, वो झाड़ू साफ करते करते टूट गई आपकी झाड़ू, उसमें हमारा कसूर क्या है? और मैडम सुन लीजिए बात को, आप जो आप ये बात कर रही है ना, जो अभी एलिगेशन की बात हो रही है, अब आप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, टेलीविजन स्टूडियो में ही तोड़, बीच में मत बोलिए आप, चलिए आप बोलिए, बीच में मत बोलिए आप, जिस ढंग का एलिगेशन स्वाति मालीवाल ने लगाया है, हम आपसे ये निवेदन कर रहे हैं, आप भी अगर इस देश से संबंधित हैं, थोड़ा सा भी इस देश के प्रति आपकी श्रद्धा है, तो इस ढंग के एलिगेशन पब्लिक लाइफ में जब तक नहीं लगाए जाते, जब तक कि पुख्ता सबूत ना हो। अब आपने एक मिनट में कह दिया कि साहब हमने तो एलिगेशन लगा दिया, भूल के भी वही ले आए। गुप्ता जी ये बात तो स्वाति मालीवाल जी भी जानती होंगी कि वही मैं कह रहा हूँ, एलिगेशन लगा दिया, उनके खिलाफ शिकायत हो सकती है। फिर उन्होंने ये बात क्यों कही? वही मैं कह रहा हूँ कि भाई आपने समुद्र में पत्थर फेंक दिया कि हमने तो फेंक दिया, ढूंढ के आप ले आओ। ये जो आप बेईमानी वाला बात कर रही है कि दिल्ली पुलिस ढूंढ के लाए वो मंत्री कौन है, ये क्या बात हुई? ये कौन सा लॉजिक है आपका कि दिल्ली पुलिस ढूंढ के लाए वो मंत्री कौन है? आपको पुख्ता जानकारी है, आपने एलिगेशन लगा दिया, आप नाम बता दीजिए उसका, आप नाम बताइए उसका, एक मिनट मैडम, आप उसका नाम बताइए, आप उसका नाम बताइए मैडम, आप लफाजी मत करिए, उनको रोक दिया। एक बात मैं भी कह रहा हूँ और वो पहले ही स्वाति मालीवाल को रोक दिया, स्वाति मालीवाल ने क्या दिया मैडम, एक बार ने आपको क्या कह दिया है? और कांग्रेस और बीजेपी आपके ये बहुत मजे की बात है आपके प्रोग्राम, आपको क्या है? एक आरोप मैं भी लगा रहा हूँ आप पर, आप भी ढूंढ के ले आइएगा, अरविंद केजरीवाल जी ने तो नौकरी छोड़ दी है और उनकी पत्नी ने भी नौकरी छोड़ दी है, लेकिन वो अपने बच्चों का 8-9 लाख रुपया फीस भरते हैं विदेशों के अंदर, वो कहां से लाते हैं? उसके लिए मैं कह रहा हूँ करप्शन करते हैं, आप भी ढूंढ के लिए आइए। चलिए ये मुद्दा दूसरा है। अनिल जी ने मैंने भी आरोप लगा दिया, ये विषय दूसरा है यहाँ, मैंने भी आरोप लगा दिया आपके ऊपर। अनिल जी यहाँ बात है, चलिए चर्चा को विराम देंगे और बिल्कुल चर्चा को विराम देंगे हम। डोगरा जी हमारे साथ, चंद्रसुता डोगरा जी बहुत बहुत शुक्रिया, आम आदमी पार्टी से जुड़ी, हरिशंकर गुप्ता जी कांग्रेस से, अनिल झा जी बीजेपी से। तो सवाल वही के वही है, आखिरकार जिम्मेदार कौन? स्वाति मालीवाल जी ने कहा कि जीबी रोड पर चलने वाले इन कोठों का मालिक कौन है, किसके संरक्षण में चलते हैं, ये बात दिल्ली पुलिस के हाथ बंधे हैं, वो नहीं जान पा रही है और वो जान सकती है कि किसके संरक्षण में चल रहे हैं, लेकिन ये बहसें होती रहेंगी, चर्चाओं के विषय बने रहेंगे, तमाम पार्टियां आरोप प्रत्यारोप करती रहेंगी, पर सवाल उन जिंदगियों का है जो अंधेरे में है, सवाल उन लड़कियों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है कि आखिरकार इनका मालिक कौन है। और जिस तरह से देश की राजनीति में ये सनसनी पैदा करने के लिए बातें की जाती हैं या सियासत को गरमाने की बातें की जाती हैं, सच्चाई कितनी है ये वक्त बताएगा। इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा, जुड़े रहें आप हमारे साथ।